एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है जी विजयदशमी, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज हमारी माता रानी का होगा विसर्जन, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। सो फ्रेंड, माता रानी के विसर्जन की सारी तैयारियां हो गई है। एक साफ बर्तन में मैंने साफ पानी भरा, थोड़ा सा फूलों से डेकोरेशन कर दिया, गाय का कच्चा दूध डाला है इसमें मैंने, और गंगा जल भी पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा फूल डाल दिए। बच्चों ने भी बहुत हेल्प की मेरी यहाँ पे। इस बार माता रानी का विसर्जन ऋषिका और प्रयाग करेंगे, तो मेरी मैया रानी की विदाई हो रही है। तो आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे हमारी मैया रानी का विसर्जन हो गया है। अगर आप लोग भी माता रानी को लाते हैं और कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से माता रानी का विसर्जन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज बच्चों ने माता रानी का विसर्जित किया है। आज हमने ना माता रानी को घर पे ही विसर्जित किया है। भाई अम्मा जी नहीं गए क्योंकि इसके डैडी भी नहीं है, तो अकेले पड़ गए थे। माता रानी को मेरी प्यारी सी विश सुनिए, बताऊं क्या? कि वो आज इस बार हमारे साथ ही रहे, विसर्जित हो गए थी। क्योंकि विसर्जित करने के बाद में दुख तो होता ही है, और ऋषि का कोना बहुत ज्यादा होता था। कैसे देख रहे, छेड़ो नहीं। तो जब हम मतलब घर पे भी विसर्जित कर सकते हैं। अब जब इनकी ये जो जल होगा, जो इसमें से मट्टी बनेगी, वो मैं पेड़ पौधों में डाल दूंगी। और इसकी वजह से माता रानी वैसे तो हमारे साथ ही रहती है, अब बिल्कुल मतलब हमारे पास ही रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं यमुना जी जाओ, नदी जाओ, नहर जाओ। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा तो आप घर पे भी इस तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर को भी मैंने साफ कर लिया है, पूजा पाठ मेरी हो गई है। नवरात्रों के टाइम पे जो हमने हवन किया था या जो भी फूल यूज़ हुए थे, तो उन सभी को ना मैं पेड़ों में ही डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप लोगों के घर के आसपास कहीं बहता जल है, नहर है या कोई नदी है, तो आप वहाँ पे भी इनको बहा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने घर पे इस तरीके से ना पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। हमारे पेड़ पौधों को भी माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने सारे पेड़ों में ना थोड़ा थोड़ा करके ये फूल और ये राख जो भी बनी थी वो सब मैंने डाल दिया है। एक तरीके से है ना ये खाद का भी काम करते हैं, बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं इससे पेड़ पौधे भी। तो मैंने सारे पेड़ पौधों में यहाँ पे ये पूजा की ये सामग्री डाल दी है। कुछ पेड़ पौधे मेरे अंदर रखे थे, जैसे तुलसी माता, एलोवेरा, मनी प्लांट, तो सारे मैंने इनके अंदर भी डाल दिए हैं थोड़ा थोड़ा। नॉर्मली दिनों में भी जो आप पूजा करते हैं उसमें यूज़ करने वाले फूल या फिर पूजा की बाती वगैरह जो भी होती है, उनको भी आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, नीचे ना टीनों पे कपड़ा गिर गया था, तो आज प्रिया की चार हड्डी काम आई। ऋषिका तो मेरे से उठेगी नहीं, और कोई बड़ा डंडा भी नहीं था, तो मैंने ना प्रयाग को ही थोड़ा सा सपोर्ट दे के इसके ऊपर चढ़ा दिया, और फाइनली प्रयाग ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और वो कपड़ा उतार दिया। सो गाइस, शाम हो गई है, तो अभी ना मैं दशहरे की पूजा कर रही हूँ। तो मैं दूध लेके आई थी, तो वहीं से मैं गाय का गोबर ले आई थी। आप चाहो तो नीचे फ्लोर पे चौका लगा के भी बना सकते हैं, अगर आपके घर पे कच्ची जगह है तो, या फिर न्यूज़पेपर या प्लेट पे बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ना प्लेट में बना लेती हूँ। गोबर से मैंने ये 10 गोलियाँ बनाई, फिर उसके ऊपर आटा और हल्दी लगा दी है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, यानी कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, बुराई को हराकर अच्छाई पे जीत पाई थी, इसलिए इस दिन को ना विजयदशमी बोला जाता है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, उस पे विजय पाने के लिए हम ये दशहरे की पूजा करते हैं। अपनी इंद्रियों पे विजय पाना या ना पाना ये हमारे खुद के हाथ में होता है। अपने अंदर से बुराइयों का नाश करके अच्छाइयों को हमें लाना है, तो इसलिए हम ये दशहरे की पूजा करते हैं। सभी के ऊपर मैंने कलेवा और बताशा रखा, फिर जो हम नवरात्रे में जौ बोते हैं ना, उसके ऊपर हमने ये जौ लगाए। जो माता रानी का आशीर्वाद है जो हमेशा अमर रहता है, तो हमारे यहाँ पे ना लड़के हुए या फिर घर के जो भी जेंट्स होते हैं, सभी के ना ये जौ लगाए जाते हैं आज के दिन उनकी दीर्घायु के लिए।
लास्ट में मैंने फूल चढ़ाए और भगवान श्री रामचंद्र जी को मैंने मन में याद करके प्रणाम किया। उसके बाद हमने दीपक लगाया और इस तरीके से हमने अपने दशहरे की पूजा की। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ पे दशहरे की पूजा कैसे की जाती है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी दशहरे की पूजा हो गई है। अभी हमारे यहाँ पे ना बहन अपने भाई को या फिर माँ अपने बेटे को इस तरीके से कान में ये जो लगाती है ताकि हमारे बच्चों की दीर्घायु बनी रहे। प्रयाग ने ऋषिका के पैर छुए और इस तरीके से हमने अपने दशहरे की पूजा की। आज मैंने बनाए हैं छोले भटूरे, तो बच्चे अपना डिनर कर रहे हैं। बस ये व्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर न्यू हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।